वेट लॉस रोटी बनाने के लिए हम देखेंगे इंग्रेडिएंट। तो मेरे पास यहाँ पे छिलके वाली उड़द दाल है एक कटोरी, बिना छिलके वाली मूंग दाल है एक कटोरी, और अगर आपके पास छिलके वाली मूंग दाल है तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने बिना छिलके वाले ले ली है। और इसके साथ ही अगर आप चना दाल भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी पल्सेस आपको अच्छे लगते हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा एक्चुअली डाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा और वेट लॉस के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। चुटकी भर नमक है, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत डालिए, लेकिन इससे डालने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा रहता है, लेकिन वेट लॉस के लिए हमें ये नहीं डालना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इनको पूरा ही एक बाउल में इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही मिक्स करके हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, इसे अच्छा सा फाइन इसके पाउडर बना लेंगे बिना पानी डाला, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और कुछ नहीं, अगर मोटा भी रहा ना तो भी ठीक रहता है, और जितना मोटा रहे तो उतना आटा जो है उसमें फाइबर ज़्यादा रहता है, उसमें जो विटामिन के कंपोजिशन है वो ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो ये हमने इसको सब इसको पीस डाला है अच्छे से एक साथ ही। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँ, मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है। अगर आपके पास ज्वार का आटा है तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, इससे जो आपकी हेल्थ बेनिफिट्स है वो भी बढ़ जाएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम नॉर्मल पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे अच्छा गर्म किया हुआ पानी। क्या होता है, जो भी ज्वार की रोटी होती है, जो भी पल्सेस की रोटी होती है, वो हम नॉर्मल पानी से अगर बाइंड करते हैं तो वो अच्छे से बन नहीं पाती है, इसीलिए हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। अच्छे से गर्म किया हुआ पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी रोटी जो है हाथों पे बेल के हम इसको तवे पे सेकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रोटी बनाने के लिए हमें स्पेशली है पानी अच्छे से गर्म करना है, इस तरह से, और इससे भी ज़्यादा, हाँ इस तरह से पानी के हमें चाहिए गर्म किया हुआ। हमने आटा जो है इस परात में निकाल दिया है, और मैंने, आप बोलोगे कि इसका कलर और भी डार्क ब्लैक कलर जैसा लग रहा है, तो मैंने इसमें रागी का आटा जो मेरे पास था वो मैंने मिक्स किया है, और रागी का आटा डालने से ये और भी हेल्दी हो जाता है, वेट लॉस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसके गूंथने की जो स्टाइल है, डव बनाने की जो स्टाइल है वो अलग है, टिपिकल महाराष्ट्रियन रोटी है और काफ़ी हेल्दी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी इसमें ऐसे डालना पड़ता है अच्छे से, इसको ऐसे अच्छे से, इसको हाथ से नहीं कर सकते हम क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ऐसे करके इसको अच्छे से। महाराष्ट्र में टिपिकल इसको उनकी रीजनल लैंग्वेज में से भाकर कहा जाता है, और कई लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, वेट लॉस के लिए नहीं तो साथ में जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये काफ़ी गर्म होता है, फिर भी हमें ऐसे थोड़ा सा इसको गर्म इसमें ही करना पड़ता है, तब जाके रोटी अच्छे से परफेक्टली बनती है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है या फिर बन नहीं पाती है। इसको ऐसे करके एकदम जैसे रोटी के जैसे नहीं करना, इसको जितना जोर लगा के हम इसको अच्छे से करेंगे उतनी अच्छी रोटी हमारी बनती है। देखिए इसका एक अलग ही वे होता है इसको रोटी का, जो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और देखिए इसको ऐसे करके, जो नॉर्मली हम गेहूँ की रोटी बनाते हैं वो सिंपली ऐसे हाथ में बनाते हैं, लेकिन इसका जो रोटी का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है आप इसका जो गोला है वो किस तरह से उसको आप रगड़ रगड़ के अच्छे से बनाते हैं। देखिए और हमारा जो तवा रहता है वो भी काफ़ी हॉट रहना चाहिए। देखिए इसको ऐसे करके इसे दबाना पड़ता है, फिर इसको थोड़ा सा हम हल्का ऐसे दोनों हाथ से ऐसे करना पड़ता है इसको। अच्छा अब इसको ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अच्छी बनती है, ऐसे अगर बनाओ तो
और जो लोग भाकर खाते हैं स्पेशली उनको भी नहीं आता है कि मींस ये सबको नहीं आता है, एक टिपिकली जिन लोगों को आता है उन लोगों के को ही आ पाता है। थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, मैं अगर बनाने जाऊँ तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, एक तो मोटी हो जाएगी या फिर टूट जाएगी बीच में ही। ऐसे ऐसे करके इसको जितना पतला हो सके उतना पतला हमें करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि पतला सिर्फ ऊपर से या फिर बीच में से, इसको होल मतलब चारों तरफ से ये अच्छे से थीन होनी चाहिए। देखो अभी परफेक्टली फाइन है। अब इसको एकदम हॉट तवे पे हम इसमें इसको डालेंगे। और इसको पकाने का भी स्टाइल थोड़ा अलग है, थोड़ा सा इसको एक साइड से हल्का सा गर्म होने देंगे। मीनवाइल अगर ये जब तक ये बन के रेडी होती है हमको दूसरी रोटी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी होती है, दूसरी को भी ऐसे ही करते हैं। अगर आपके पास रागी का आटा नहीं है तो सिंपली आपके पास जो भी पल्सेस पड़ी है आप उससे जार में डाल के सीधा ब्लेंड कर दो। नमक डालना है थोड़ा सा पिंच ऑफ तो डाल सकते हो, नहीं डालो तो अच्छा है, जीरा उसमें डाल सकते हो, और अच्छे से इसको ब्लेंड करके अब बढ़िया ऐसी रोटी, अगर ऐसी नहीं बनती है तो आप अपने स्टाइल से भी बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम पलटा देंगे, जैसे है मतलब ये नीचे से थोड़ी सीख जाती है तो ये अपने आप पलट जाती है, अदरवाइज़ आप इसको निकालने की कोशिश करोगे बिना पके तो ये टूट जाएगी। हाँ ये देखो इसका काला कलर कलर आ रहा है क्योंकि जो हमारी उड़द दाल है वो भी छिलटे वाली थी और साथ में इसमें मैंने रागी का आटा मिक्स किया था, इस वजह से इसका कलर जो है अच्छा नहीं है। बिना छिलटे वाली अगर दाल आप यूज़ करोगे तो कलर अच्छा आएगा, वाइटिश कलर आएगा थोड़ा, लेकिन छिलटे वाली जो दाल है ज़्यादा अच्छी रहती है। इसको पलटाने के लिए ये होना ही रहता है, मिस्सी है थोड़ा। इसको सेकेंड वाली प्रोसीजर चालू है। ये भाकर को स्पेशली आप टमाटर की चटनी के साथ अगर खाते हैं तो मज़ा ही कुछ और आता है, या फिर सिंपली ड्राई ड्राई चिलीज है या फिर ग्रीन चिलीज है उसका स्पेशली जो है महाराष्ट्र के लोग इसका चटनी बनाते हैं और वो इसके इस भाकर के साथ इंजॉय करते हैं। ये भी एक स्किल होता है बनाने का, और भी हमारे महाराष्ट्र की जो मटका रोटी है वो भी बहुत फेमस है। एक बार में मटका रोटी कैसे बनाती है, उसका आटा कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको वीडियो उसका भी जरूर शेयर करूँगी। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं उसको बनाने का तो आप भी बना सकते हैं ये भाकर, ये पल्सेस की मिक्स रोटी। यस इसको क्या करेंगे, इसको पीछे साइड देखते हैं थोड़ा सा सीख रहा है, तो हम क्या करते हैं सिंपली इसको निकाल देंगे यहाँ से, इसको जो है इसको दूसरे बर्नर में ऐसे ही पकाएंगे और यहाँ पे देखिए ये मोस्टली जो है चूल्हे पे अच्छी बनती है, अगर चूल्हा रहता है ना तो यहाँ से पूरा मींस ये फूल जाती है, पर ये अभी गैस पे है तो इसीलिए ये फूलेगी नहीं ज़्यादा, इससे जो इसको पकाना पड़ता है। फाइनली अब जाके हमारा डिनर रेडी हुआ है। डिनर में जो है पल्सेस और रागी की रोटी मिक्स है, साथ में ये है टमाटर का रस्सा, इसे महाराष्ट्र में कढ़ी बोलते हैं, टमाटर की कढ़ी। और ये सब्जी जो आप देख रहे हैं
ये सब्जी है काटवेल की, और ये सीजनेबल होती है और ना सिर्फ टेस्टी होती है बल्कि काटवेल में जो है एंटीऑक्सीडेंट गुण अच्छे होते हैं, फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो कि स्किन को ऑफकर हेल्दी रखते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है। कहने का मतलब है जो भी सीजनेबल वेजिटेबल्स होते हैं वो आपके स्किन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। और ये जो रोटी है स्पेशली जो ऑल पल्सेस थे उसकी मैंने बनाई है, और ना सिर्फ टेस्टी होती है बल्कि हेल्दी भी बहुत होती है, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, साथ में प्रोटीन का अंबार होती है। सो इसे सिंपल और लाइट डिनर करने में बहुत मज़ा आता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बताना कमेंट में कि आपको भी ये भाकर बनाना आपने ट्राई किया कि नहीं, और अगर बनी है तो इमेज ज़रूर सेंड कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।